हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर मॉम, माय डियर पेरेंट्स, आज मैं अपने वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जो है बच्चों के दांत से रिलेटेड। जी हाँ, दांत के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं, मिल्क टीथ के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, बच्चे की परमानेंट टीथ है या टेम्प्रेरी टीथ है, लेकिन आज मैं आपको एक स्पेशल टीथ के बारे में बताऊंगी जो है चोर दांत। जी हाँ, चोर दांत पहले कभी नहीं सुना होगा या सुन रखा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है या चोर दांत के बारे में बहुत ही रेयर पेरेंट्स जानते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम घर के बड़े जनों से पूछें, जैसे दादी दादा या नाना नानी, जो घर के बड़े जन होते हैं, उनको इसके बारे में पता होती है। लेकिन हम बात करें आज की जनरेशन की, तो बहुत ही रेयर लोगों को इसके बारे में पता होती है कि बच्चों के चोर दांत भी निकलते हैं। ये कैसे होते हैं, आगे निकलते हैं या पीछे निकलते हैं, या बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक है या बच्चे के लिए हार्मफुल है, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज़ होती हैं। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन मुझे अभी रिसेंटली एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, मेरे बच्चे के पीछे जो दाढ़ है वहाँ पर कील जैसा कुछ निकला हुआ है, समझ नहीं आ रहा बच्चे का दांत है क्या है, या बच्चे को कोई इंजरी हो गई है या प्रॉब्लम हो गई है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, क्या दिक्कत है। देखिए, बिल्कुल नॉर्मल एक प्रॉब्लम आ जाती है जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होती है और हम इस चीज़ को गैस भी नहीं कर सकते कि क्या वाकई में बच्चों की दाढ़ में या पीछे कोई दांत निकल सकता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये हम कह लें कि ये चोर दांत के बारे में बहुत ही कम जो पेरेंट्स हैं जानते हैं, और ये कंडीशन बहुत ही कम बच्चों के संग होती है। यानी अगर हम अनुमान लगाएं तो कुछ 10,000 बच्चों में किसी एक को ये प्रॉब्लम ऐसे होती है। अब ये कब से स्टार्ट होती है, देखिए, वैसे तो बच्चों के दांत आपके छठवें या सातवें महीने से निकलना शुरू होते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे जो आप चेंजेस बोल लो, जेनेटिकली बोल लो या एनवायरनमेंट चेंजेस के वजह से, कि बच्चों के दांत बहुत जल्दी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप चौथे या पाँचवें महीने में भी ये प्रोसेस देख सकते हैं कि बच्चों की टीथ बहुत जल्दी निकलना शुरू होती हैं। सेम ये जो चोर दांत होते हैं वो भी बच्चों के आपको तीसरे या चौथे महीने में आपको ये देखने को मिल सकता है। चोर दांत के बारे में, चोर दांत के बारे में ये भी बोलते हैं कुछ लोग कि ये कुछ एक्स्ट्रा जो जितने टीथ होते हैं उससे ये बढ़कर कुछ टीथ निकल आते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा टीथ होते हैं, या फिर कोई इनके बारे में कहता है कि इनको निर्दोष दांत भी बोलते हैं। लेकिन ये होता क्या है कि जब आपका बच्चा 3 या 4 महीने का हो जाता है तो पीछे की जो दाढ़ वाली एरिया होती हैं वहाँ पर कुछ आपको किसी भी पर्टिकुलर एक जगह पर या नीचे या ऊपर या इस साइड पर या फिर इस साइड पर बच्चे के जो दाढ़ वाली एरिया है या फिर दाढ़ वाली एरिया ना होकर किसी और जगह पर भी ये आपको कील जैसा निकला, मतलब आपको दांत जैसा ऊपर निकला हुआ दिखाई दे जाएगा, वो दांत ही होता है जिसको बोलते हैं चोर दांत। इसमें क्या वही सारे प्रॉब्लम बच्चे को फेस करनी होती हैं जब बच्चे के दांत मिल्क टीथ निकलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो सेम जो प्रोसेस है इसमें भी होती है कि बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। आप अक्सर कहते हैं कि मैम, हमारे बच्चे ने दूध पीना सडनली बंद कर दिया, दूध नहीं पी रहा है, या 2-3 मिनट बाद ही दूध पीने के बाद वो छोड़ देता है, या बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए, या पॉटी हो गई है और पतले पतले दस्त कर रहा है, बुखार भी है, सर भी दर्द जैसा बच्चे को कुछ महसूस हो रहा है, या वह बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वो रोए जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ जो कि मिल्क टीथ निकलते हैं सेम प्रोसेस चोर दांत निकलने पर भी होती है। ठीक है, तो अब आप इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या हम इनको निकलने दें, ये बच्चे के लिए सेफ़ है, या फिर हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, जब मैंने इस चीज़ के बारे में जाना कि जब ये इस तरह की कंडीशन आपको आपके बच्चे के संग ऐसी नज़र आ रही है, तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जब आप देखिए कि आपका बच्चा कितने मंथ का है, 3-4 महीने का है या 4-5 महीने का है, आप उसके मसूड़ों को चेक करिए। अगर घर में कोई बड़ा जन है, आपके हस्बैंड हैं या आपके मदर इन लॉ हैं या फादर इन लॉ या आपकी माँ, जो भी है, जिससे भी आपको, उससे आप चेक कराएं, या आप खुद भी चेक कर सकती हैं। ऐसा बोलते हैं कि माँ नहीं, माँ चेक करती है तो बहुत ज़्यादा बच्चे को पेन होता है या प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ। आप माँ हैं, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है, तो आप खुद भी चेक कर सकती हैं। तो अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन करें,
और हैंड्स को क्लीन करने के बाद आप अपने बच्चे के दांतों या ये जो गम्स हैं मसूड़ों को अच्छे से टच करके देखें कि कहाँ पर कुछ चीज़ उभरा हुआ है या नुकीली से कुछ आपको महसूस तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए कि बच्चे के चोर दांत निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे में आप और भी चीज़ आप उसको कंफर्म कर सकती हैं, बच्चे को बुखार है, बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया या उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, अगर ये सारी चीज़ भी है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ वाकई में बच्चे की ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, चोर दांत की वजह से हो रही है। पहले क्या होता था कि जो घर के बड़े लोग या आसपास में जो जानकार होते थे इसके बारे में, वो यही सजेस्ट करते थे कि आप इसको दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। अब ये कैसे प्रेस करना है कि ये आप तीन या चार दिन सुबह शाम, ये नहीं हर वक्त आपको प्रेस करना है। जो बड़े लोगों के जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ये ठीक भी किया है, उनकी ये ओपिनियन है कि सुबह शाम बच्चे को साफ हाथों से उंगली से उसको आप दबाइए सुबह शाम 3 दिन या फिर 4 दिन, ज़्यादा 3 दिन में ही भी आपको फ़र्क मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको दबाओगे वो अंदर चला जाएगा और फिर वो नहीं निकलेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि बच्चे की सारी जो बुखार है, लूज मोशन है, उल्टी है, दस्त है, मतलब बच्चे की जो एक्टिविटी नॉर्मल हो जाएंगी और वो दूध भी आराम से पीने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन में आपको यही बोलूँगी कि ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कीला बच्चे की डाढ़ में पीछे ऊपर की डाढ़ या नीचे की डाढ़ या किसी भी साइड से ये निकल आया है, तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप इसको डॉक्टर की मदद से निकलवा दें। ये निकल जाना चाहिए, तभी बच्चे के लिए सेफ रहता है, ठीक है। तो ये आज के टाइम की जो अपडेट है वो यही है। पहले तो इसको दबा देते थे, उससे ये बैठ जाता था और बच्चा ठीक हो जाता था, लेकिन इसको आप निकलवा दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है ये बच्चे को और ज़्यादा परेशानी कर दे। ये बच्चे की ओवरऑल बच्चे की हेल्थ के लिए सेफ नहीं होते। अगर आपको ये कंडीशन आपको अपने बच्चे में ये नज़र आ रही है, तो आप कोशिश करें कि इसे डॉक्टर से आप निकलवा दें, या फिर डॉक्टर जो भी आपको सजेस्ट करते हैं या राय देते हैं उसको आप फॉलो करें। किसी भी प्रकार से आप अपने बच्चे को हार्म ना करें। हो सकता है दबाने से उसको दिक्कत हो जाए या फिर दबाने के बाद वो बाहर निकल आए, ठीक है, दोबारा से बाहर निकल आए, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाकर इसको आप निकलवा सकती हैं। मेरा मकसद इस वीडियो का बनाने का यही था कि आपको इसके बारे में अवेयरनेस हो, आप इसको जानें कि वाकई में ये प्रॉब्लम भी बच्चे के साथ हो सकती है, क्या चोर दांत जैसी कोई चीज़ भी होती है जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जो कि सेम मिल्क टीथ के ही तरह होती है, ये समय से पहले निकल आते हैं, जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होते उनकी हेल्थ के लिए और किसी भी प्रकार से भी। कुछ लोगों की मिथ्स ये हैं जो ये मानते हैं कि ये बच्चों के तालू में से निकलती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। जी नहीं, तालू में से ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है, ये बच्चों के गम्स में से, ये मसूड़ों से ही निकलते हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे को पेनफुल रहते हैं और बच्चों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है इसमें। तो आई होप ये चीज़ आपको एक नई जानने को मिली हो, क्योंकि जब मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं इसके बारे में मैं बहुत ही कम जानती थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती थी, हाँ सुन तो रखा था, लेकिन फिर इसके बारे में मैंने पूछा, स्टडी की, तब मुझे लगा कि हाँ अब मैं इसके बारे में अच्छे से आपको समझा सकती हूँ, ठीक। तो आप इस तरीके से कर सकती हैं। और आप क्या कर सकती हैं इस ड्यूरेशन में, जैसे आपके बच्चे के मिल्क टीथ निकलती हैं तब बच्चे को भी बहुत सारी दिक्कत होती है, तो आप जितना हो सकता है अपने बच्चे को अपनी ब्रेस्ट फीड कराएं, लिक्विड जितना दे सकती हैं लिक्विड ही दें, क्योंकि 3-4 महीने का बच्चा है, आप और कुछ उसे दे नहीं सकते हो अपनी ब्रेस्ट फीड के अलावा, तो आप उसे जितना हो सकता है लिक्विड दें। साथ ही साथ आप अपने बच्चे को ग्राइप वाटर भी दे सकती हैं, उससे उसको पेन में रिलीफ हो जाएगा, जो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चे को उसमें आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकती हैं। जो अभी भी मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि इस तरह की कंडीशन आपको नज़र आती है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाकर इसको ज़रूर चेक कराएं। तो आई होप माय डियर मॉम, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फादर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।